दोस्तों म्यांमार के कोको आइलैंड के ऊपर चाइना ने एक इंटेलिजेंस गैदरिंग फैसिलिटी बना रखी है, जहां से चाइना इंडियन फोर्सेस के मूवमेंट्स के ऊपर नजर बनाए रखता है, जो इन कोको आइलैंड को भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बना देते हैं। पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोको आइलैंड कभी इंडिया का ही हिस्सा हुआ करते थे तो क्या आप मानेंगे? दोस्तों प्री ब्रिटिश एरा में कोको आइलैंड इंडिया का ही पार्ट हुआ करते थे, लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे के बाद इन आइलैंड का कंट्रोल कभी ब्रिटिश इंडिया के पास रहा तो कभी ब्रिटिश बर्मा के पास। और कई डिस्प्यूटेड थ्योरीज ये क्लेम करती हैं कि 1948 में तब की इंडियन गवर्नमेंट ने कोको आइलैंड को गिफ्ट के तौर पर म्यांमार को दे दिया था। ये क्लेम सबसे पहले फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने किए थे। हालांकि इन क्लेम्स के ऊपर डिस्प्यूट्स और डिबेट्स का सिलसिला आज भी जारी है, पर उन क्लेम्स को जस्टिफाई करने से ज्यादा जरूरी ये है कि आज हम कोको आइलैंड को काउंटर करने की स्ट्रैटेजीज पे ध्यान दें, जिसके लिए हम म्यांमार से कुछ नेगोशिएशंस कर सकते हैं और अपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को डेवलप कर सकते हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।